अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत टेंशन है एकदम। आज जो है प्रोग्राम से पहले मुझे टेंशन हो गई और मैं जो है बड़े तरीके से बैठे। मुझे पिछली दफ़ा जब मैं आप लोगों के साथ बैठा प्रोग्राम करने के लिए, तो ये जो जीन्स मैंने पहनी हुई है बड़ी टाइट थी, तो मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने सोचा कि आज जो है ना ये पिछले दिनों में, क्योंकि नया साल शुरू हुआ, बड़ी मैंने रेजोल्यूशंस की कि मैंने सलमान खान जैसी बॉडी बनानी है, मैंने वज़न जो है कम करना है, वेस्ट लाइन कम करनी है, तो उतनी टेंशन स्ट्रेस में मैंने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि मेरी टोन नज़र ना आए, तो मैंने यहाँ पर बटन बंद करने की कोशिश की। जब वो की तो वो बटन टूट गया। तो इस किस्म के काफ़ी वाकयात आज प्रोग्राम के आगाज़ में, और उसकी सबकी सबसे भारी वजह ये थी कि जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और आपने वो जहन से उतार दी हो कि अब कहाँ ये होनी है, और वो एकदम हो जाए, लाइक यू नो, कोई सरप्राइज़ हो जाए, कोई आपको गिफ्ट मिल जाए, कोई आपको जो है अनहोनी हो जाए, तो आप जो है ना वो कुछ चौंक से जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो अनहोनी बात है, 4:30 बजे मुझे दो लड़कियों का फ़ोन आया, जिनमें से एक लड़की बात कर रही थी और दूसरी जो है वो उसके पीछे खड़ी थी, और मुझे पता चल रहा था फ़ोन पे कि ऐसा है कि दो ही लड़कियां हैं, और उनमें से एक का नाम था, वो एक भूली बिसरी मुझे याद आ गई, मिस हिरा हुआ करती थी, हमारे साथ प्रोग्राम करती थी। तो उनका पैगाम ख़ुद नहीं उन्होंने दिया कि मैं आज प्रोग्राम करूँगी, मैंने उनकी शिकायत लगा दी थी। मैंने कहा था कि काफ़ी अर्सा हो गया, नाज़रीन जो है आप मिस कर रहे हैं, आप नज़र नहीं आ रही, तो कहाँ हैं। तो मिस पारस जो हैं, उन्होंने क्या किया कि मुझे फ़ोन किया 4:30 बजे, उससे पहले कोई पता नहीं था कि प्रोग्राम होने वाला है। तो आज नाज़रीन प्रोग्राम में 4:30 बजे के बाद मिस पारस और मिस हिरा, मिस हिरा और मिस पारस, ये दोनों जो हैं प्रोग्राम में आ गई खरामा खरामा, और मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। ये देखिए, ये मिस पारस है, ये बुनियादी तौर पे नाज़रीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े साइकोलॉजिकल केसेस, डेंजर किस्म के जो हैं वो हल कर दिए हैं। और इधर मेरे साथ जो हैं मिस हिरा हैं, और मिस हिरा एक लंबी छुट्टी पर गई हुई थी, यहाँ से प्रोग्राम के प्रोग्राम की शिरकत में लंबी छुट्टी पे गई थी। मिस हिरा, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, थैंक यू, आपका वापस आना अल्लाह मुबारक करे। और मिस हिरा जो है, इन्होंने भी अपनी जो है इस उम्र नातवा में ऐसे ऐसे उकदे, ऐसे ऐसे भेद सुलझाए हैं कि सिगमंड फ्रॉइड से लेके एरिक्सन तक सब जो है इनके मद्दा हो चुके हैं। यानी अक्सर वो जो है ना कब्रों से उठ के देख रहे होते हैं कि कौन आया है, तो इतने इम्प्रेस्ड है। और हमेशा की तरह हमारे साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं इस वक्त एक माइक से, और माइक से अपनी मधुर आवाज़ निकालेंगे। और जो हमारे साथ हैं इस वक्त सुल्तान साकिब बलोच साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान साहब हमारे जो है मुश्किल के दिनों के साथी हैं, और अच्छा मैंने इधर ही रहना है यार, क्योंकि उधर सबके साथ भी बात कर रहे हैं, वो फिर किसी की समझ ही नहीं आती है। ये नाज़रीन प्रोड्यूसर साहब बड़े सख्त हो गए हैं, मुश्किलें इनको इतनी पड़ी हैं कि आसान हो गई हैं इनकी, तो वो जितनी सारे घर की मुश्किल होती है और परेशानी होती है वो हम पे सख्ती से ये निकाल देते हैं, वहाँ इनका जोर चलता नहीं है। आपको पता ना पिछले महीने इनके साथ वाकया हुआ है, वो वाला, वो टाइम द नॉट वाला, तो अब यहाँ पे हमारे साथ बहुत सख्ती करें। तो ये सुल्तान साहब की मैं बात कर रहा था कि ये हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, इन्होंने पिछली दफ़ा भी बहुत ज़बरदस्त हमें गाना सुनाया, और आज भी सुल्तान साहब कोई गाना वाना सुनाएंगे सर, जब जो कहेंगे सुना देंगे। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब मैंने नाजरीन सोचा कि पहले उत्तो पहलो ना, मतलब मैं पहली कोई जो भी सुर संगीत है। अच्छा, आज बड़ी मज़े की बात है कि ख़ास तौर पर मिस पारस ने कहा कि सर ऐसी बात नहीं है, आप ये ना समझिए कि मैं नहीं गा सकती। तो मिस पारस ने हामी भरी है और बहुत मुसर है कि ये बड़ा कोई अच्छा सा गाना सुनाएगी। सर मैंने ऐसी हामी तो भरी ही नहीं है, मुझे तो सर गाने आते ही नहीं, नहीं सुना भी कभी नहीं, नहीं सर। अच्छा, अगर आपको कोई पसंद हो, आपने कभी अंताक्षरी खेली है? नहीं। अंताक्षरी भी नहीं खेली? अच्छा मिस, आप तो गाने के मामले में माशाल्लाह, आपका तो मिसाली नहीं है। ये आपको किसने बताया है? कोई गाने से शगफ नहीं है, सुनने की हद तक, सुनने की हद तक। तो आप बताएं कि आपको कौन सा गाना पसंद है? तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि आपको हॉलीवुड का गाना पसंद है, बॉलीवुड का गाना पसंद है, या लॉलीवुड का गाना पसंद है? मुझे हॉलीवुड, हॉलीवुड का। तो बता दें आपको हॉलीवुड के कौन से ऐसे
सिंगर्स हैं जो इम्प्रेस करते हैं? सर इम्प्रेस तो जो बचपन में सुनते थे, जाहिर सी बात है, वो इम्प्रेस मैडोना को तो नहीं सुना, नहीं जॉर्ज माइकल, फिर जॉर्ज माइकल का कौन सा केयरलेस विस्पर्स, लाइक जीसस टू अ चाइल्ड, और ये आई थिंक केयरलेस विस्पर्स का उधर थोड़ा सा गुनगुना ऐसे नहीं मेरा गला गाने के लिए नहीं बना सिर्फ क्लास पढ़ाने के लिए बना अच्छा आप के बचपन में, इन्होंने तो अपने बचपन की बात की, आपके बचपन में कौन से गाने थे जो आपको मसलन वो मुझे याद पड़ता है कि आपको अब आजकल के दौर में कौन से सिंगर्स हैं जो पिछली दिहाई में गाने गाती थी हैं? मैं तो भूल ही गया हूँ आजकल कौन से ज़्यादा सिंगर्स गाने गा रही हैं। सर मुझे कोई नाम तो बिल्कुल याद नहीं रहते, नाम का पता ही नहीं, वो गाना याद हो आपको? सही, वाकई में नहीं सुनती म्यूजिक। अच्छा चलिए ये बताइए कि आज के प्रोग्राम में आप अपनी मर्जी से बताएं कि आप क्या कहेंगे। यार वो एक फोन कॉल आने का कोई इरादा था, मिस सिरा कह रही थी कि एक फोन कॉल तो जरूर आएगी तो वो बताएं कहाँ रखा है, आप फोन ही दूर कर रहे हैं चार्जिंग पे। देखे ना ये हमारे शहजादे ने अब चार्जिंग पे लगा, एक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, ये क्या वजह है मिस? डिले काम, ये लड़की आजकल ऐसे क्यों है? इनको 7 हैबिट्स करवाने की जरूरत, ये होनी चाहिए। अच्छा ये हैबिट की हैबिट भी डालना कोई मुश्किल काम होता है कि किसी चीज़ की हैबिट हो जाए आपको, आपको किसी चीज़ की आदत ही हो जाए, जैसे कि वो क्या गाना है सुल्तान साहब, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, है ना? हाँ वो पसंद है आपको आतिफ असलम का, आतिफ असलम साहब का जो है तो, हाँ बोले बोले आप। अच्छा मैं तो उस वक्त से बोल रहा हूँ अब तो आप लोगों की बारी है कुछ बोलने की। देखे ना जैसे मिस कह रही हैं कि गाने का इतना शौक नहीं, देखे सुनने की आदत तो हर बंदे को गाने पसंद होते हैं जी, लेकिन गाना हर बंदे का शौक नहीं होता, हर बंदे के बस का रोग भी नहीं होता। नहीं वही है ना, जब बंदे को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ तो गरीब बात है वो उसको करना भी नहीं चाहता होता। तो मेरे ख्याल में मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि आप परेशानी में बंदे को रिलैक्स कर देती है, और जैसे उस दिन रहेली बता रहा था कि रिलैक्स जो बंदे बैठे होते हैं तो उनको परेशान भी कर देती है। अच्छा हाँ, ये तो, भी हो जाता है। हाँ, तो ये चीजें हैं, इमोशंस को बढ़ाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूजिक। यानी कि जो भी म्यूजिक हो अगर कोई शख्स पहले से बड़ा खुश है तो उसको सैड भी कर सकता है, उसको सैड भी कर सकता है। तो ये तो बड़ा, यानी कि लाइलक किस्म के लोग हुए जो म्यूजिक सुन के उसके साथ वैसे हो जाते हैं, अगर रिलेट उसको अपने साथ कर रहे हो तो फिर म्यूजिक का मूड पे इफेक्ट आता है। इसलिए मूड को जो है बड़ा ध्यान से उसके साथ जो है उसको रिलेट करके ही सुनना चाहिए। अब जिस तरह अक्सर जो ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स हैं वो ऐसा म्यूजिक सुनते हैं जो कि उनकी ड्रग से रिलेटेड थॉट्स को ट्रिगर करता है, वो फिर ड्रग्स को फैंटेसाइज भी करते हैं, उसको फिर रूमिनेट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, या अगर सैड मूड में है तो ऐसा म्यूजिक सुनेंगे जो मज़ीद डिप्रेस कर देगा, या अगर मैनिक फेज के अंदर है तो ऐसा मूड म्यूजिक सुनेंगे जो उनको मज़ीद एनर्जी देगा। तो फिर मूड को जो है मूड के हिसाब से अगर म्यूजिक को सिलेक्ट किया जाए तो वो फैसिलिटेट भी करता है। मिसरा आपको क्या लगता है कि थॉट्स जो है, सोचें जो है वो मूड को इफेक्ट करती हैं या मूड जो है उस सोच को इफेक्ट करती है? थॉट बेसिकली हर चीज़ को इफेक्ट करती है, फीलिंग से पहले थॉट्स आती हैं, दिमाग में कोई सोच है तो फिर उसकी बेसिस पे कोई फीलिंग जो है वो जनरेट होगी, एंड इवेंचुअली उसकी बेसिस पे आपका कोई एक्शन होता है, या जिसको हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, बिहेवियर कह लें। ये हमारा ABC मॉडल है ना, थॉट्स फीलिंग्स एक्शंस। तो ABC क्यों नाम है? पहले स्टिमुलस आता है सर, बेसिकली एंटीसिडेंट एक्टिवेटिंग का स्टिमुलस, कॉन्सिक्वेंस एक्टिवेटिंग का स्टिमुलस। ये मैं बड़ी गलत जगह पे बैठ गया हूं, मुझे लगता है मैं सारा ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई टेबल टेनिस या टेनिस का मैच देख रहा हूं। सर A फॉर एक्टिवेटिंग का स्टिमुलस,
और वो स्टिमुलस आया और आपके ब्रेन तक गया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स. वहाँ पर आपके कुछ बिलीव्स होते हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके से हम रिलेट करके उस स्टिमुलस को देखते हैं. लाइक एक स्टिमुलस जाता है तो उसको मैं डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज करूंगी, मिस हिरा उसको डिफरेंट तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि हम दोनों की तो एक ही थी बिलीव्स डिफरेंट है ना मेरा और उनका. तो आप दोनों इतने इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे एक जैसे कर ले बिलीव? नहीं सर, ये फिर हमारे कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट करता है, कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड अफेक्ट करता है, कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स अफेक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन बिलीव्स को बनाने में रोल प्ले करती हैं. सो एक ही स्टिमुलस है, एक ही वाकया हुआ, मगर जो परसेप्शन है, जिस तरह से आपने सोचा कि ये वाकया कैसा हुआ है, इस पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके बिलीव्स क्या हैं. और बिलीव्स पे आपने दगड़ दगड़ तीन चार चीज़ें बता दी कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, आपकी कहाँ ब्रॉट अप हुआ है, वहाँ पे कल्चरल वैल्यूज और क्या क्या था, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और फिर ये सी क्या है. बिलीव्स ने आपके कुछ बिहेवियर, उन बिलीव्स की बेसिस पे आपने किसी तरह से बिहेव किया होगा. कुछ जिस तरह से आपने बिहेव किया, बिलीव्स अगर पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली उससे पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट हुई होंगी. बिलीव्स और बिहेवियर्स, सॉरी बिलीव्स और फीलिंग्स दोनों मिलके आपके बिहेवियर्स बनाते हैं. इस फीलिंग्स का एक गाना भी मुझे याद आ गया, वो बड़ा पुराना सा गाना था, भला कौन सा. Feelings, nothing more than feelings. I got feelings. मैम बहुत अच्छी बात कर रही थी, लेकिन म्यूजिक जो है ना उसकी अपनी भी एक ताकत होती है और उसकी अपनी जुबान भी जुबान होती है. फॉर एग्जाम्पल आप अगर ढोल बजाना शुरू कर देते हैं तो बंदे को वही फील आती है नाचने की, तो नाचा खुशी में जाता है. और अगर आप कोई वीडियो देख लें और उसके पीछे जितनी मर्जी दुखी वीडियो, तब तक आप को इतना दुख फील नहीं होगा जब तक उसके पीछे म्यूज़िक ऐसा ना हो जैसे अलाप लगा देते हैं. जब भी फिल्में आप देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो जब बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ अलाप होते हैं तो ज़्यादा दुख महसूस होता है. तो वो म्यूज़िक एक अपनी ताकत भी होती है जो सिचुएशन पे सिचुएशन को अपने हाथ में कर लेती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है. तो मेरे ख्याल में ये म्यूज़िक की अपनी एक ज़बान भी है और ताकत भी है. तो कुछ लोग होते हैं फील कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते हैं. लेकिन ये कि ज़्यादा पढ़े लिखे अंदाज में तो मैं नहीं बता सकती हैं कि वो क्या रीज़न होती है, मगर ये है कि हमारा जो जहन है, दिमाग जो है, हमारा जो हार्डवेयर है दिमाग, इसमें कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ पे फीलिंग्स और म्यूज़िक और इनकी परसेप्शन और कोई जो स्टिमुलेट हो जाए. इमोशनल सेंटर है हमारे ब्रेन का. अच्छा, तो मुझे ऐसे अमिग्डाला क्या चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जैसे वो दिखाते हैं फिल्मों में कि एक जगह पे कोई बॉम्ब सा पड़ा हुआ है, वो टिक 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 कर रहा है और उसमें से ऐसे जो है ना वो दूर दूर जैसे आप गीने नहीं पहनते, कोई उसमें से यूँ निकल वेव्स निकल रही होती हैं और उसमें हम जो है फियर परसीव करते हैं. फियर के इमोशंस भी और एंगर के इमोशंस भी उसी के साथ लिंक्ड हैं. अच्छा, जो कि हमारा एक जो ब्रेन का सेंटर है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. वो ग्लैंड्स जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस के साथ कुछ बॉडीली चेंजेस भी आते हैं ना, जिस तरह फियर के इमोशंस के साथ डिफरेंट तरह के इमोशनल एक्सप्रेशन फैल जाती हैं, एंगर के साथ डिफरेंट है, सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक, और वो पसीने वसीने से छूट जाते हैं, दिल की फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पांस आता है, तेज शुरू हो जाती है. जब रिलैक्स होते हैं तो फिर पैरासिंपैथेटिक काम करता है, जो कि लव की फीलिंग्स के साथ, रिलैक्सेशन की फीलिंग के साथ. ये मौसीकी की जो बात कर रहे हैं सुल्तान साहब, वो यही तो है कि अगर हम जो है कोई स्ट्रेस में भी है, टेंशन में भी है, और हम उसको कोई ऐसी मौसीकी सुना दें जो कि बड़ी सूदिंग हो, बड़ी, जैसे मैं अपनी आवाज़ में भी सुर लगाया था ना, तो जहाँ भी छोटे बच्चे तंग कर रहे थे माओ को, सब जो है चुप कर गए. उन्होंने कहा कि बच्चों को टेंशन सीख कर उनकी नहीं, वो माओ ने बच्चों को ऐसे कर दिया कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो जो ही उन्होंने माँ का लम्स महसूस किया तो खामोश हो गए, ईजी हो गए. तो ये आपने आज हमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं. सुल्तान साहब, आप कौन सा आज हमें कोई गाना वाना जो है सुनाएंगे आप? जी कौन सुनाऊंगा, ये एक पाकिस्तान के हालात पे ही है,
अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की दे और हर लिहाज से। लेकिन मैंने ये 2-3 साल पहले गाना बनाया था और ISPR के लिए बनाया था, तो आज आपको भी सुना देता हूँ। क्या उसके बोल क्या है ज़रा, वो पता है वो बेसिक हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारे जो हालात जा रहे हैं ना उनको ज़रा बेहतर कर दे। अच्छा, हम में कमियाँ हैं कोताहियाँ हैं, लेकिन आप उनको ना देखो, आप अपने कर्म से हमारे मुल्क पे रहमत करो और हमारे मुल्क को तरक्की दो। हमारे मुल्क इसके मेन बोल हैं कि मौला माफ़ कर दे, खाली झोली भर दे। ज़ाहरी बात है जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारे खाली झोली ही होती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो भर देती है। तो अच्छा, ये जो इन्होंने बात कही है ये अपनी जगह, आप ये बताएं कि पावर ऑफ प्रेयर जो है ये आपकी साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती अमूर देखते हैं और जो उसमें कहीं पावर ऑफ प्रेयर का जिक्र है, कहीं उसमें होती है कोई बात जान पड़ती है उससे? 12 स्टेप्स विद स्पेशल हीलिंग स्पेशलिटी है। कहती हैं हाँ भाई छोटे दस पे मैं पूछता आपसे, हर साल ये क्या चक्कर है भाई, मतलब पूछना आपसे आप इस बारिश को कर देती हैं। सर ये स्पिरिचुअल हीलिंग के ऊपर एक प्रोग्राम है, 12-स्टेप प्रोग्राम। ये वैसे तो अल्कोहलिक के साथ यूज किया जाता है, लेकिन इसको नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको अपने साथ बड़ा रिलेट करती हूँ। तो ये दर्जन क्यों है इसमें? सर इसमें हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ आपके, जिस तरह कहते हैं ना, हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ आपके गोल्स हैं जिनको आप अचीव कर। मैंने तो जब सीखा था ना डांस चा चा चा, उसमें तो 4 स्टेप्स थे। पहले था चा 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 आगे, फिर चा चा चा। मैं आपसे वही इनके कैमरों का मसला है, वरना मैं आपको करके दिखाता। ये प्रोड्यूसर साहब मैं खड़े होकर कर सकता हूँ चा चा चा? नहीं, वो मना कर रहे हैं, कहते हैं ऐसा कुछ। तो उन्होंने मुझे ये श्रेष्ठ लगा के इधर बिठाया, वो कहते हैं मिल नहीं सकते। अच्छा, तो इसमें कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स से सर ये हैं 12 स्टेप्स, जिसमें से पहले 3 स्टेप हैं रिलेशनशिप। आज मैंने सुबह जो है ना एक दर्जन केले खरीदे थे 50 रुपए दर्जन थे। इस ये 12 स्टेप्स किस तरह से? सर इसमें जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने पर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 जो है वो जो प्रेयर कर, पावर ऑफ प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर, हर स्टेप की प्रेयर है उसके गोल्स के अकॉर्डिंगली है। 4 नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं लाइक स्टेप 4 से लेके स्टेप 7 तक के जो हैं वो आपके रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस इम्प्रूव करने से रिलेटेड। उससे अगले 3 जो स्टेप हैं वो आपके अपनी सेल्फ के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के ऊपर काम करते हैं। यानी पहले 3 गॉड के साथ, नेक्स्ट 4 आपके खुद के साथ, नेक्स्ट 3 दूसरे ह्यूमंस के साथ, और लास्ट 1 जो 3 है वो आपकी कम्युनिटी लेवल के ऊपर रिलेशनशिप को इंप्रूव करने का। 3 काम बचे, मैं पूरे हो गए? पूरे हो गए सर। हां 13 हो गए? नहीं सर 12 ही हुए। कैसे? पहले 3 रिलेशन पीस विद गॉड, ओके। नेक्स्ट 4 पीस, नेक्स्ट 4 ना 3 करें फिर? नहीं 4 गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सर 4। अच्छा चलें करें। पीस विद आवर सेल्फ, पहले आपने कहा था अदर ह्यूमंस। नहीं सर वो गलती से मैंने कह दिया पीस विद आवर सेल्फ, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 है वो पीस विद अदर ह्यूमंस, ठीक है। 4, 3, 7, 3, 10 हो गए। 3 and 4, 7 and 3, 10 फिर लास्ट के जो 2 हैं वो कम्युनिटी लेवल पे काम करने से, कम्युनिटी लेवल पे, जिसमें आपकी प्रेयर और मेडिटेशन के ऊपर है ज्यादा एम्फसाइज स्टेप 11 के अंदर, और स्टेप 12 के ऊपर जो है आप दूसरे लोगों को जो अपना नॉलेज है वो शेयर कैसे कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और कम्युनिटी लेवल पे भी क्या बेनिफिट। पहले 4 जो थे वो पहले तीन जो थे वो वर्टिकल लिंक था, ठीक है ना। पहले 3 स्टेप्स का वर्टिकल लिंक था गॉड के साथ, ताकि वी आर एट पीस विद गॉड। जब हम गॉड के साथ जो है फड्डे करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें कभी सुकून नहीं मिलता। फिर जो अगले कितने 4 वो 4 जो है, जैसे हम चारों बैठे हुए हैं ना, ऐसे 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी लोग मेरे हाथ तो नहीं बाहर हो गए भाई। अच्छा ठीक है, तो वो 4 जो है हॉरिजॉन्टल्स हो गए उनके साथ। इन पे हम आज थोड़ी बहुत ही बात करेंगे, बस आपने भी बताने हैं उनको, नहीं कहना कि आप बताएं। 7 हो गए, और फिर जो अगले 3 है वो लोगों के साथ है जी, ठीक है, जिसमें आप अमेंड्स करने की बात करते हैं, अमेंड्स की लिस्ट बनाने पे बात करते हैं, रिजेंटमेंट्स और रिजेंटमेंट्स कैसे दूर की जा सकती हैं, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको कैसे आप बेहतर करने की तरफ जा सकते हैं। ये तो ज़रूर बताएं, बिकॉज आजकल रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के आपस में फड्डे हो जाते हैं और ईगोज आ जाती हैं और फिर जो है वो दूरियां बढ़ जाती हैं और फिर मसले हो जाते हैं और फिर मनाने के लिए पैसे भी बड़े लगते हैं। जी क्यों जी, मनाने पे पैसे लगते हैं ना,
बड़े सब्जू इतनी कई दफ़ा पेप सारी लग जाती है और फिर जो है उसके बाद तो है बाकी आखिरी दो जो है वो इंटरेक्टिव होते हैं। अच्छा, आपको एक मज़ेदार सा गाना सुनवाते हैं जो कि सुल्तान साकी बलोच सुनाएंगे आपको। सुल्तान साहब, ज़रा वो जो आप झोली भर दे वाला मौला झोली भर दे वो हमें गाना सुना दें। अच्छा, प्लीज़ स्टेज पर आप आ जाएँ और सुनाएँ और उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं मज़ीद। तो नाज़रीन, सुल्तान साकी बलोच आपको आज का अच्छा सा एक सॉन्ग सुना रहे हैं, प्लीज़। जाग मेरे कर दे खाली झोली भर दे मौला, माफ कर दे खाली झोली के हाथ में संग है। एक शहर अमन बसा दे, कोई प्यार का दीप जला दे, कुछ ऐसा करम कमा दे, मेरा सोना देश बचा ले मौला, माफ कर दे भारी झोली भर दे मौला, माफ कर दे खाली झोली भर दे। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे दिल के, कि जब बन जाए नशीमन तो कोई आग लगा दे। गैरों से नाता तोड़ी दो, ये खून की होली छोड़ी दो। गैरों से नाता तोड़ी दो, ये खून की होली छोड़ी दो। नफरत के बादल छाए हैं, क्यों अपने हुए पराए हैं। ये देखी अजब कहानी, क्यों लहू हुआ अब पानी। कुछ ऐसा करम कमा दे, मेरा सोना देश बचा ले मौला, माफ कर दे खाली झोली भर दे मौला, माफ कर दे खाली झोली भर दे मौला, माफ कर दे खाली
is the one who can save us. Save us, Allah. वाह जी वाह, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। आइए जनाब, आइए सुल्तान साहब। और ये तो मज़ा ही आ गया, लुत्फ आ गया। ये गाना जो है ये बड़ा डिफरेंट सा था। और ये जो ब्रेक पे जाने से पहले या इस गाने से पहले इनफैक्ट मिस पारिस ने बताया कि प्रेयर के और डिफरेंट स्टेप्स बता रही थी, 12 स्टेप्स। और ये यहाँ से गिन के 12 कदम जब ये गिन के गए तो स्टेज पे पहुंच के 12 कदम जब गिन के वापस आए तो ये आप वापस आ गए। ये कमाल कर दिया आपने, हैं। थैंक यू। तो ये मुझे बताएं कि इस गाने की आपको कैसे तहरीक कैसे मिली? यू नो, मैं गाने खुद लिखता हूँ, खुद उसकी कंपोजिशन वगैरह करता हूँ जी। तो ये मैंने जब, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं, जब बहुत ज़्यादा ख़राब थे टेररिज्म की वजह से, तो तब ये मैंने बनाया था। तो काफ़ी जगह पे परफॉर्म पहले भी किया था, काफ़ी बड़ा रिस्पांस आया था। तो अब ये बताएं कि आजकल जो है विलिंग वेज के साथ तो आप माशाल्लाह काम कर ही रहे हैं, विलिंग वेज पे ज़बरदस्त गाना भी आपने रिलीज़ कर दिया, धुआं वाला एडिक्शन के लिए। इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं? मुझे एक पाकिस्तान टेलीविज़न से एज एक्टर एक प्ले की ऑफ़र है, उस पर भी कर रहा हूँ गौर। और उसके अलावा मैं कोक स्टूडियो, वो दो तीन महीने पहले से बात चल रही थी, तो अब फाइनली उनके साथ भी मतलब हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए हो जाए, नेक्स्ट जबरदस्त जो नेक्स्ट सीजन है। जी जी, और मुख्तलिफ ज़्यादा अब मेरा फोकस जो है ना विलिंग वेज के प्लेटफॉर्म से गाने बना के रिलीज़ करना। देखें, नाच गाने जैसे रैप शैप इस तरह का तो हर बंदा कर रहा है। I'm a cool dude in a loose mood until I see those cheetos. Then my cool turns to drool, my style and ease surrenders to my urge for the cheese, the taste that goes crunch. It ain't easy being cheese. Please. वैसे आज बड़े फनी मूड में आप, अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा वो आपने रैप का जिक्र किया। नहीं, वो भी एक स्टाइल है। वो मिस हिरा very good rap artist. इतना जबरदस्त रैप करती है, है ना मिस? बिल्कुल। गिफ्ट्स तो आला रैप करती है, बिल्कुल बेहतरीन। देखें सर, आज के दौर में आप ज़्यादातर गाने देख लें, चाहे वो इंडियन गाने हों, पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने हों, उन्होंने एडिक्शन अल्कोहल और ये जैसे शराब हो गया या कोई इस तरह की चीज़ों को गानों में डाल के प्रमोट किया है। लाइक शीशा, मुझे नहीं, हो सकता है आप शीशा को नशा गिनते हो या ना गिनते हो। नहीं, मैं तो पुराना, मुझे गाना याद आ गया, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। नहीं सर, वो दिल्ली टूट नहीं है उसने। तो जहाँ ऐसे गाने मार्केट में आ रहे हैं, शीशा पीने आते जीने आ, शीशा पीने आते जीने आ, ऐसे गाने प्रमोट हो रहे हैं, एडिक्शन को वो कर रहे हैं। तो विलिंग वेज ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हम ऐसे गाने बना के मार्केट में रिलीज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जिससे अवेयरनेस और लोगों को हम बताना चाह रहे हैं कि यार ज़िंदगी ये नहीं है, आपने कैसे इस चीज़ से बचना है और अपने अपनी ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाना है। ये जीना भी कोई जीना है लालू। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करके और अच्छे गाने बना के रिलीज़ करेंगे। और उम्मीद है कि अवाम जैसे इतना रिस्पॉन्स दे रही है तो आपका प्लेटफॉर्म है। नहीं, हम सबका प्लेटफॉर्म है। और जो देख रहे हैं उनका भी, मेरे ख्याल में जो लोग एडिक्शन के खिलाफ सोचते हैं, जो लोग एडिक्शन के खिलाफ काम करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एडिक्शन, ये इस नशे की जो आदत है, ये बीमारी, इससे छुटकारा हासिल हो, तो वो सबकी ये ख्वाहिश है। ये सबका प्लेटफॉर्म है, ये सबका प्लेटफॉर्म है। इसीलिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म पर कभी कभी आवाज़ भी आती है कि आप जल्दी से अपनी ट्रेन में सवार हो जाएँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 से तेज गाम कराची के लिए रवाना होने वाली है। ऐसी आवाज़ आती है। बिल्कुल। बस ये बताइए, आप बताएं वो जो आप स्टेप्स बता रही थी, और आप माशाल्लाह स्टेप तो बहुत अच्छे करती हैं, है ना जी सर? तो आप बता रही थी जो कि आपको मिस हिरा ने कहा था ऐसे करके कि बताएं, आप बताएं, तो वो आप ज़रा 12 स्टेप्स को पहले आपने बताया था, स्टेप 1, 2, 3, और वो कौन कौन से हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो कौन से अपनी ज़िंदगी में उनको अगर शामिल करें तो किस तरह से उनकी ज़िंदगियों पे अच्छे असर पड़ सकते हैं? सर, इसमें जो स्टेप 1 है जिस पे हमने बात की थी कि ये पीस विद गॉड डेवलप करने से रिलेटेड है, इसमें हम सबसे पहले डिजीज़
कि जो अनमैनेजेबिलिटी डिजीज की वजह से हमारी लाइफ में आती है और हम उस डिजीज के सामने पावरलेस हैं। पेट अगर किसी का खराब हो तो उसकी वजह से अनमैनेजेबिलिटी तो आती है, उसकी वजह से आपकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट होती है, उसकी वजह से आपका मूड भी इफेक्ट होता है, उसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो पावरलेसनेस है उस डिजीज के सामने। वो डिजीज़ हमने अपनी लाइफ में चॉइस के साथ तो नहीं लेकर आए ना, तो डिजीज की वजह से जो अनमैनेजेबिलिटी है, खास तौर पे अगर ये एडिक्शन की हो तो अनमैनेजेबिलिटी उसकी वजह से लाइफ में आती है। आपकी लाइफ का बायोलॉजिकल एरिया भी इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल एरिया भी इफेक्ट होता है, इमोशंस भी डिस्टर्ब होती हैं, सोशल रिलेशनशिप इफेक्ट होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो अनमैनेजेबिलिटी एडिक्शन डिजीज की वजह से इन एरियाज में आती है। अगर हम ये सिर्फ एप्लीकेबल सब्सटेंस एब्यूज पे है या जो नॉन सब्सटेंस? सर इसको वैसे तो अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम के लिए और एडिक्शन के पर्पस के लिए ही स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी इसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन के डिजीज को या अल्कोहलिज्म के प्रॉब्लम को ही मेंशन नहीं किया गया। सो ये शुड आई अंडरस्टैंड दिस मिस कि इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस दैट वी आर पावरलेस, इज इट लाइक दैट? आगे भी तो बोले ना, मतलब मैंने तो सवाल आपकी तरफ भेजा है, यहाँ से बॉल उठा के आपको दिया। आपने उसका बिल्कुल क्रक्स तो बता दिया है। इसकी प्रेयर, सेरेनिटी प्रेयर जो है हमारी, उसमें भी यही है, एक्सेप्टिंग द थिंग्स वी कैन चेंज एंड द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। तो वो आपने बिल्कुल उसको सम अप कर दिया है कि एक्सेप्टेंस आएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कई दफ़ा आपको ये लगता है कि हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों के साथ खाम खा खै बखै कर, डू यू अंडरस्टैंड खै बखै, यानी कि हम उनके साथ जो है ना जोर जबरदस्ती लड़ाई मार कुटाई कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो चेंज के लिए सबसे पहली चीज है कि तस्लीम कर। वो सुना नहीं आपने, सर तस्लीम में खम कर देना, तो ये जरूरी। और फिर वो अगर हायर पावर है, रब की जात है, तो उसके आगे जो है फिर सरेंडर कर दिया जाए तो आसानी पैदा हो जाती है, वो वैसे से बहुत बड़ा बोझ उठ जाता है। अक्सर लोगों को ये समझा जाता है कि हम अगर सरेंडर कर देंगे, हथियार फेंक देंगे तो ये कोई बुरी बात है, मगर कई जगहों पे जब हम सरेंडर करते हैं तो बेहतर होता है। बल्कि कहते हैं एडिक्शन डिजीज की रिकवरी के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल 12 स्टेप प्रोग्राम में से स्टेप 1 और इसके साथ जो डिजीज कॉन्सेप्ट है, ये दो चीजें बड़ा ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। अगर स्टेप 1 के ऊपर सरेंडर नहीं आपने किया है पावर के सामने या अपनी ट्रीटमेंट के आगे, तो तब तक आप एडिक्शन डिजीज को ओवरकम नहीं कर सकते। जब तक आपने डिजीज की वजह से आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स आई हैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इस डिजीज़ की वजह से मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल भी था, क्वांटिटी के ऊपर था, टाइम के ऊपर था, या प्लेसेस के ऊपर मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल डेवलप हो चुका था, डिजीज़ की अनमैनेजेबिलिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि डिजीज़ वाकई आपके कंट्रोल से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, तो तब तक आप एडिक्शन डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे एक सवाल आ गया जहन में, बात आपने बहुत पते की है सुल्तान, कभी ऐसा हुआ कोई आदत, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला जो आप हल करना चाहते हैं दिल से मगर आप बेबस हो नहीं रहा, कभी हुआ ऐसा? कई दफ़ा होता है। क्या करते हैं फिर आप उसको? छोड़ देते हैं, हल करना छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं, या किसी के पास जाते हैं, किसी से कोई आप मशवरा लेते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? मैंने ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी, सबसे पहली बात ये, जिस काम को भी करने की कोशिश करता हूँ वो हो या ना हो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, करता रहता हूँ। जब बेबस हो जाते हैं ना हम, खासतौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं बेबस हो जाता हूँ कि ये काम मेरे से नहीं हो जा रहा, तो फिर एक ही रास्ता होता है, अल्लाह ताला की ज़ात, उस पे छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि जब आप मेरे पे छोड़ देते हैं तो मैं बेहतर तदबीर करने वाला हूँ, तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता। लो जी, हम यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, और मिस हिरा ने क्योंकि प्रिडिक्शन की थी और ये जो बात कह देती हैं बड़ी अच्छी नजूमी है। हाँ, मुझे तो ये पीर लगती हैं, तो ये जब वक्त से पहले कोई बात कह देती हैं वो हो के रहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रोग्राम के आगाज में ही मिस हिरा आ जाई हैं, बड़े दिनों बाद आपने देखा, माशाल्लाह। मैंने देखा, और हिरा और पारस को मैं वेलकम करूंगी। हाँ, मिस हिरा और मिस पारस को हम बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम में लेके आए हैं, इनकी बड़ी हमने जो है
खास जगहों पे दुआएं दिलवाई हैं फिर ये आए। अच्छा और दाता दरबार में कोई देख शेख तो नहीं दिलवाई आपने? अब दाता दरबार में देख दिलवाई है, तीन देखें दिलवाई है, एक भाई के लिए भी दिलवाई, इसीलिए ना उनके लिए मैंने चिकन कोरमे की देख दिलवाई है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था ये 12 किलो की है मगर असल में अंदर 6 किलो था, क्योंकि नीचे उन्होंने एक तह लगाई हुई थी, ऊपर से ऐसे देखो जान को तो लगता था बड़ी गहरी है मगर उन्होंने बीच में एक वो लगाया हुआ था, पूरी अंदर तक नहीं होती। और मिस मिस पारस जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, नहीं सॉरी मिस पारस इधर हैं, मिस पारस के लिए जो है वो पुलाव की देख दिलवाई है। अच्छा। और मिस हिरा के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं जर्दे की देख जो है ना वो मैंने वहाँ पे दिलवाई है। मैं यही कह रही थी कि हिरा के लिए वही होगी, उसका थोड़ा सा इफेक्ट इनके कपड़ों पे भी आ गया। जी जी वही माशाल्लाह बड़े मतंजन बड़े शौक से पकाती भी बहुत अच्छा खाती भी बहुत शौक से। अभी हाँ मुरब्बा जात जो है मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के वो इसमें बहुत मिस बताए ना किसी दिन आप वो रेसिपी भी बताए। सर मुझे एक लफ्ज़ समझ नहीं आया दर्दे के बाद। जुबैदा आपा तो चली गई, हिला आपा तो मौजूद है ना, जुबैदा आपा तो चली गई, अब हमें यानी के नई ब्रीड में से यंग लोगों में से ऐसे लोग चाहिए जो जाके पकवान और सलीका बता सके। तो सर आप कुकिंग शो शुरू करें ना कोई अपने शो में। लो जी ये एक मिस पारस ने तो हामी भर ली है। पारस का तो मुझे पता है कि पारस एक दिन मिली हुई इसमें कोई पुलाव और कबाब शबाब बना के लेके। हाँ ये बिल्कुल आपने सही याद कराई, शुरू शुरू के दिन थे, ये नई नई आई थी ना तो लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश कर रही थी, अब किसी को लिफ्ट नहीं कराती, अब कहती है किसी ने कुछ खिलाना है तो खिलाए। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी मजाल है आप लोगों को अंडर एस्टिमेट करूं, मुझे पता है माशाल्लाह सारे एक से बढ़कर एक हैं। नहीं मैं वो सच बताऊं कि हमें ना पहले हमारे डिपार्टमेंट में ना कुछ अच्छा पहले तक हमारा टी रूम जब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ था ना तो हमारे जो बड़े हैं ना यानी जो हमारे सीनियर जो हमारे एचओडी और वो सीनियर वाले हैं हमारे सर्जेंट जी जी इन लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को कुकिंग भी आती है। अच्छा तो अब ये है वहाँ पे कि मंथली बेसिस पे ना हमारी टर्न होती है घर से कुछ ना कुछ बना के लाने मंथली बेसिस पे अच्छा मंथली मैंने कहा शायद मन चले की मैं जिसका मन चले वो जहाँ तक चले चले तो जिसे शादी के मुतल्लिक कहते हैं ना शादी के मुतल्लिक ये अभी अभी इन्होंने कहा है उमेर साहब ने कि चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक माशाल्लाह इनकी तो चांद तक ही चलेगी। जी 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 तो बात ये कि जब से हम लोग वो आगे लाते हैं हमारे डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ है अच्छा सेवन पीपल जिस तरह सात आसमान लड़कियां और औरतें मिला के सेवन है। आप खुद सोचिए मुझे इसमें लड़कियां कितनी हैं औरतें कितनी हैं क्योंकि औरत बनने के लिए तो कोई भी राजी नहीं होगा। जो भी है मतलब टोटल सेवन है। टोटल सेवन है मगर उसमें जाहिर है तीन औरतें और तीन कहानियां बाकी चार लड़कियां। जी जी वो दो मेल्स हैं ठीक है तो वो दोनों जो अंकल हैं ना मतलब अच्छा वो अंकल वो लोग ठीक है वो अपने घरों से अपनी वाइफ में बनवा के लाते हैं। अच्छा बड़ी उनकी अच्छी वाइफ्स हैं वैसे मिस उनको मीठा लाने की जिम्मेदारी दे दें ये हम लोग बता के गए हैं वहां पे तो वो हैरान रह गए वो कहते अच्छा आप लोगों को देखनी उसकी कुकिंग आती है। देखें वो घर के बेचारे सताए हुए थे हमें ये एडवांटेज है मिस फरी के वो हमारा जो है ना ये कैफेटेरिया बड़ा जबरदस्त है। हाँ ये तो है मगर ये मिस हिरा जो है ये खास तौर पे बहुत स्पॉन्सर करती हैं। आप चले जाएं जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठती हैं तो वहाँ पे माशाल्लाह चॉकलेट्स एक से एक ज़बरदस्त और कभी जो है कोई बड़े बड़े नहीं है ये जॉइंट्स जिनमें फास्ट फूड मिलता है
वो उसकी खुशबुएं आ रही होती हैं, खाली लिफाफे पड़े होते हैं, ये सब चीजें बहुत स्पॉन्सर करती हैं। है मिस पारस, ऐसी है ना मिस पारस? जी बिल्कुल। ये बहुत चिल करते हैं वहाँ, बड़ा चिल माहौल होता है। और कभी 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 मिस पारस पहले बना के लाती थी चीजें, अब वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लाती हैं कि नहीं। जेंडर बायस्ड आप बात करती नहीं है, मुझे पता है। जी बिल्कुल। बात ये कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ना साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों बहुत केयरफुल और बहुत समझदार है। माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है अभी प्रोग्राम देखने में। हाँ, वेरी वेल ग्रूम्ड, वेरी वेल मैनर्ड एंड वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी केयरफुल, वेरी समझदार। हाँ, और अब पीछे बचे आप दोनों। हाँ, हम तो बुजुर्ग, मतलब ये सुल्तान जो है, ये तो आपको पता है ना वैसी सिंगर है, और सिंगर जो होता है वो बात कह रहा होता है जो सब आवाम के दिल की आवाज़ होती है, उसकी अपनी आवाज़ नहीं होती, वो आवाम के दिल की आवाज़ होता है। और जहाँ तक मेरी बात रह गई, मैं तो अंकल्स में आ जाता हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, तो कोई अच्छी बात ही करूँगा ना। अच्छा, मैं नहीं आ रहा। ओहो, वो पता है कैसे? देखो मेरी बात सुनो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि मैं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत केयरली देख रही होती हूँ और बहुत डीपली देख रही होती हूँ। हम दोनों केयरलेस, पता क्या केयरलेस, इस तरह की आप दोनों का एक नुकसान हो सकता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग मेरी बात सुनने और अपनी वो चीज थोड़ा सा, कोई बड़ी अंदर की बात इन्होंने कर दी है। देखें, बात सुने, मिस पारस जो ही प्रोग्राम में आके बैठी, मैंने इनसे कह दिया था, ये माशाल्लाह बहुत ये अच्छी साइकोलॉजिस्ट तो है ही, मगर ये हर थोड़ी देर बाद ऐसे फूंक मार देती है, मेरा सेल फोन अगर जरा सा उधर भी जा रहा हो वो वापस आ जाता है। अच्छा, और सुल्तान की मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि इन्होंने, क्योंकि अपनी आवाज़ को ट्रेन करना होता है, तो ये हर थोड़ी देर बाद वो उधर से फूंक मारती हैं, मेरा सेल वापस आता है, वो हर थोड़ी देर बाद ऐसे करके खींच लेते हैं, तो उनका सेल भी वहाँ से गिर नहीं सकता। अच्छा। तो ये दोनों माशाल्लाह बड़ी केयरफुल हैं, इन्होंने तो अपने सेल फोन पता नहीं कहाँ छोड़ के आई हैं, छुपा के आई हैं, क्या करके आई हैं। एक दफा लो भी, आपने इतना कह दिया, अब आपकी बात को मैं रद्द तो नहीं कर सकता, मगर मेरे हाथ में दो फोन है, कहाँ कहाँ रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, आपकी बात का भी शुक्रिया और आपके फोन का भी बहुत शुक्रिया। बर्फ बहुत पड़ रही है, आपने देखा है कि इतनी बर्फबारी हो रही है, आपकी भी उधर बर्फबारी हो रही है? हमारे तो ये इतनी बर्फ पड़ रही है कि मिस भी और मैं भी, तो इन दोनों को तो सर्दी इतनी लगती नहीं, मगर हम दोनों को तो लगती है, हम तो मफलर शफलर लपेट। लाहौर तो हम है नहीं ना इस वक्त, असल में हम तो बर्फ वाली जगह पे हैं। नहीं, नथिया गली में भी नहीं है हम, अब क्यों, अभी स्कीइंग करना हम शुरू करेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच फरीद, जज़ाकअल्लाह, बहुत मेहरबानी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यू टू, थैंक यू। लो जी मिसरा, फ़ोन भी आ गया, अब और तो नहीं आएगा ना फ़ोन, क्या आएगा? आ सकता है, आ भी सकता है। तो मिसरा, आप बता रही थी जब आप पिछले साल फ्रांस गई, तो वहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस था, कहाँ पे आप गई थी, केन्स के जो फेस्टिवल था, फिल्म फेस्टिवल, उसके मुतालिक आप बता रहे हैं।
सर हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे ना, मैं पिछले साल फ्रांस गई। कॉन्फैबुलेशन, ये मैंने को अपने से बना लिए बात है, तो बड़ी बुरी बात होती है, तो ऐसे नहीं करना। आप कुछ कह रहे थे जब हम गए थे ब्रेक पे, याद है आपको कुछ बात जो आप कर रहे थे, और बीच में भी आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, अभी मैं तो जब कॉल आ रही थी तो मैं तो उनको ये बताने लगा था कि मैंने प्रोग्राम शेयर किया था। हाँ। जब वो कह रहे थे केयरलेस है, मोबाइल की तरफ ध्यान है, तो मैं प्रोग्राम शेयर किया था, वो बताना चाह रहा था जिनका फ़ोन था उनको। अच्छा, तो बाकी हम यहाँ बैठे हैं आपको सुनने के लिए, आपकी रहनुमाई। आप आज क्या सुनेंगे मुझसे? जो आपको अच्छा लगता है मैं गाना सुना दूँ? आपके सामने मैं क्या गाना था? नहीं नहीं, आप तो असल सिंगर हैं, हम तो ऐसे जो बाथरूम सिंगर। मैं बड़ा अच्छा गाना गाता था, तो मेरी वाइफ ने मेरे बहुत डिस्करेज कर दिया, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ गाना लगाया करो। तो तब से उसकी वाइफ के नाम से, तो भाई मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, तेरी क्यों खांसी निकल गई है? अच्छा, एक मैं ना सर थोड़ी संजीदा सी बात, एक ये चूँकि दोनों साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं, मेरे गांव से ना रात फ़ोन आया, तो एक लड़का था वहाँ पे, वो पीता था चरस बहुत ज़्यादा, और साथ ये जो रगड़ के पीते हैं भंग के, इस तरह का कुछ, दो तीन साल वो करता रहा। वो आपने गाना भी सुना होगा, बड़ा मशहूर है, माजरत चाहता हूँ, है सीरियस बात, मगर फिर वो कर लीजिएगा। भंग का रंग जमाओ जगई चक, फिर लियो पान चबाए, अरे ऐसा झटका लगे जिया को, अब बात क्या बात है। तो अब तीन चार साल बाद उसने छोड़ा है, मतलब नशा। अच्छा, तो एकदम से ना उसके दिमाग का कुछ, दिमाग में कुछ मसला हो गया, एकदम से उसको जुनूनियत सी आती है और जैसे दौरा पड़ता है। और रात मुझे फ़ोन आया कि वो उस लड़के ने इवन के चाकू छुरी वगैरह कुछ उठा ली, और पूरी फैमिली में कि मैंने इसको मारना है उसको मारना है, तो पूरा हंगामा खड़ा हो गया, और मोहल्ले में चीखों पुकार के आवाज़ सुन के लोग आ गए। तो ये क्यों ऐसा होता है, मतलब एकदम से जब ये नशा छोड़ा जाता है तो उसका हल क्या है, या क्यों ऐसा होता है? ये बेसिकली कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस जी, कि पेशेंट का ये जो बिजार बिहेवियर है, जैसे आपने कहा कि वो चाकू छुरी लेके सबकी तरफ दौड़ रहे हैं, तो उनके ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस हो गया ब्रेन में। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिस मकदार में जहाँ से रिलीज़ होने थे वो सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया हुआ है ब्रेन में। ब्रेन की केमिस्ट्री को ऑल्टर कर देती हैं ड्रग्स, इसलिए मैंने मूड ऑल्टरिंग केमिकल्स बोलते हैं। तो उस वजह से उनका ये इतना ऑड बिहेवियर है। और आपने कहा कि छोड़ने के बाद हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी बॉडी में एक, जिसे कहते हैं ना कि ड्रग जो है, जब कोई भी इंसान लेता है तो वो उसके ब्लड में शामिल हो जाती है, वैक्यूम सा आ गया है। एग्जैक्टली, उसको कवर नहीं हो रहा वैक्यूम, बिल्कुल। तो वो उनको प्रॉपर डिटॉक्सिफाई करवाना पड़ेगा अपने आप को, फिर मेडिसिन जाएंगी अंदर, फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट साथ होगा, देन ही विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, वरना तो ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। चूँकि गांव में लोग इतना ज़्यादा, उनको पता नहीं होता, तो वो कुछ कोई कह रहा है कि जी काला जादू हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, जब पीता था तो सही था, जब छोड़ा है तो अब उस पर काला जादू हो गया है। तो मैंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा कि उसका क्या हल है या क्या बेहतर हो सकता है। तो ये अच्छी बात की है इन्होंने, एक्चुअली ये तब बंदे को पता नहीं होता, शौक में लड़के जो हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, और जब उसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके पास उसके बाद फिर उनको एक तो हेल्प लेने का नहीं पता कि हम कैसे मदद ले सकते हैं जी। उनके लिए ये नॉर्मल सी बात होती है, और चूँकि एजुकेशन बहुत कम है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मामू कांजन मेरा गांव है, मामू कांजन के पास बड़ा बैकवर्ड सा है। तो अब उम्मीद है कि अब मुझे, मैंने उनको बताया कि विलिंग वेज के प्रोग्राम्स होते हैं इसी एडिक्शन के ऊपर, तो आप उसको, तो बहुत ज़्यादा लोग ना माशाल्लाह वो विलिंग वेज को फॉलो कर रहे हैं और प्रोग्राम देखते हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो हमारे प्रोग्राम से भी कुछ लोग बाशूर हो जाएंगे। मिस पारस, ये बताएं कि लोग शुरू में शुगर के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी ऐसा ड्रग्स वगैरह यूज़ करनी शुरू करते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, तो ये बाद में एडिक्शन क्यों हो जाती है, ये छुट्टी क्यों नहीं है काफ़ी लोगों को लगी हुई? सर, ये जो ड्रग्स हैं शुरू में तो प्लेजर देने के लिए, लेने के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं। कुछ लोग आउट ऑफ वो क्यूरोसिटी की वजह से, क्यूरोसिटी का मोटिव हर इंसान के अंदर मौजूद है। क्यूरोसिटी किल्स द कैट बट वंस सेटिस्फाइड इट कम्स बैक।
तो वो शुरू में हम एक्सप्लोर करने के लिए और जिस चीज़ से हमें रोका जाए, हमें उस चीज़ में ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो हम कुछ ड्रग्स को ज़्यादातर जो टीनेजर्स इसको यूज़ करते हैं वो क्यूरोसिटी की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से। पीयर प्रेशर के पीरों का प्रेशर नहीं, फ्रेंड्स का, आपके ग्रुप का जो प्रेशर होता है। इसके अलावा कुछ आपके सेल्फ इस्टीम इशूज़ भी होते हैं कुछ लोगों के, कि अगर पीयर्स उनको रिकमेंड कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं, तो वो इनकार नहीं कर पाते ये जानते बूझते हुए कि ये चीज़ उनके लिए अनहेल्दी है। कुछ लोग स्ट्रेसर्स की वजह से भी अपने इश्यूज प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए भी ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो ड्रग्स जो हैं, यानी डिफरेंट रीजंस हैं, क्यूरोसिटी की वजह से, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए लोग इसको यूज़ करने की तरफ जाते हैं। शुरू में ये हमें प्लेजर देती है, लेकिन ग्रेजुअली जब हम इसको यूज़ करने की तरफ जाते हैं, तो जिस तरह मैंने डिस्कस किया था पावरलेसनेस के कॉन्सेप्ट के अंदर, कि लॉस ऑफ कंट्रोल डेवलप हो जाता है। जब हम कोई मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं डिजीज़ को अपने वो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, तो कुछ अर्से के बाद बॉडी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, वही सेम टॉलरेंस डेवलप कर लेती है, वो सेम अमाउंट आपको सेम इफेक्ट नहीं देती। इसी तरह से ड्रग्स का भी जो वो गाना इसी पे है ना, सॉरी इनके बैठे हुए मुझे वो आ रहा है, नजर मुझे किक मिलती नहीं, वो किक नहीं मिलती ना, है ना, ये कहते हैं ना, लव्स यूज करते हैं किक, आई एम नॉट गेटिंग किक आउट ऑफ इट। तो वो जो ड्रग है, वो जो सेम अमाउंट है, वो आपको सेम इफेक्ट नहीं देती। वो सेम इफेक्ट लेने के लिए वो डोजेज को बढ़ाते जाते हैं, और ग्रेजुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ड्रग का हम प्लेजर लेने के लिए ड्रग को यूज़ नहीं करते, बल्कि उन विड्रॉल्स को मैनेज करने के लिए ड्रग को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो वो उस स्टेट को, जब ड्रग की डोजेज भी बढ़ गई, अब विड्रॉल को मैनेज करने के लिए भी हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं, ड्रग को यूज़ नहीं करते तो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्टेट को या फंक्शनैलिटी आपकी इफेक्ट हो जाती है, आपकी ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, आपकी फेमिलियल फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है। तो ये सारे के सारे जब फंक्शनैलिटी के एरियाज भी इफेक्ट होते हैं, तो हम एक पर्सन को फिर एडिक्शन जो है वो डायग्नोज करते हैं। मान लिया, मगर बात ये है मिसरा कि अब प्लेजर के लिए कोई पार्टी है, कोई मज़ा है, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई टीनेजर्स हैं, दे वॉन्ट टू गेट टुगेदर, दे वॉन्ट टू हैव गुड टाइम, दे वॉन्ट टू हैव फन। इसी तरह किसी और के केस में ये हो सकता है कि कोई बड़ी ज़िंदगी में मुश्किल सिचुएशन आ गई है और बहुत उसके ऊपर बोझ है। तो ड्रग्स के मुतालिक तो इन्होंने इतनी सारी बातें गिनवा दी कि भाई इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये अभी बता रहे थे सुल्तान के वहाँ पे उसने बेचारे ने वो चर्स पी ली और उसके बाद वो पीता रहा, क्या उसको कहते हैं, भंग जो है वो पीते रहे, तो उसकी वजह से ये मसला हो गया। तो क्या करें फिर, इसका कोई और तरीका आप बताएं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो मना करने की बात है ना कि ये ना करो, ड्रग्स ना यूज़ करो। क्या करें जिससे ज़िंदगी का लुत्फ भी मधुबाला रहे और दोबाला रहे, और साथ में अगर किसी को स्ट्रेस है, टेंशन है, बेगम साहिबा ने कोई सख्त बात कह दी है, तो वो मतलब अपना स्ट्रेस को भी मैनेज करें, कोई ऐसा तरीका, हेल्दी तरीका है। फिर लाइफ को बेसिकली पॉजिटिवली अप्रोच करें ना, अपनी पेन को मेडिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका तो नहीं है कि आप ड्रग्स ले लें। एक केमिकल के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते ना। क्या तरीका हो सर? और बहुत सारे तरीके हैं, स्पोर्ट्स फॉर इंस्टेंस, एक्सरसाइज करें, योगा करें, म्यूजिक सुने, हेल्दी डाइट। डिप्रेशन को डाइट, डिप्रेशन और डाइट का बड़ा लिंक है। नहीं, बिंज ईटिंग नहीं, बट जो न्यूट्रिशनस, जो न्यूट्रिशन से फुल ऑफ फूड्स होते हैं, जैसे कि जो हम में से किसी को नहीं पसंद होते हैं ये क्या बात है, ओट्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, मज़ेदार सी बन सकती रेसिपी फिर। नहीं, इनकी इनको रेसिपीज को तो मज़ेदार कर सकते हैं, बट मैं वैसे कह रही हूँ कि जंक फूड खाना पसंद करते हैं ना यंगस्टर्स मोस्टली। एक आपने कहा है कि फूड जो है वो भी एक तरह से क्यूरेटिव हो सकती है, हमारे मूड को बेहतर कर सकती है। फिर आपने फरमाया कि मेडिटेशन ये वाली होती है। मेडिटेशन से क्या मुराद है सर? योगा बेसिकली, वो तो योगा कर लें या कोई योगा में कौन सा वो एक वो है, होता है जिसमें ऐसे आलती पालती मार के बैठ सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जोन सा मर्जी पोस्चर। म्यूजिक के साथ भी होता है, म्यूजिक के साथ भी है, रिलैक्सिव इमेजरी भी है। जिस तरह आपने वो एक वर्ड ओम यूज किया, उसमें हम मेडिटेटिव वर्ड यूज करते हैं। नहीं, आप ओम ना यूज करें, आप कहें
रिलैक्स का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक वर्ड जो आपको सूदिंग इफेक्ट, इवन के एरोबिक्स कहते हैं, म्यूजिक लगा के जो होती है डांस एरोबिक्स, वो बहुत हेल्पफुल है. सर म्यूज़िक के साथ जैसे मैं बात करी स्पोर्ट्स की, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. जैसे किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कही थी कि जिस जहाँ के ग्राउंड जो हैं वो भरे होते हैं वहाँ के अस्पताल और थाने खाली हो जाते हैं. तो जब आप ग्राउंड्स को भरना शुरू कर देंगे, मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, ये एक ऐसी एडिक्शन है ना कि कोई भी गेम, जून जुलाई की कड़क धूप में हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे और फील्डिंग कर रहे हैं और ऐसे पसीने आ रहे हैं, हमें दिल करता है वही करते रहे. तो अगर तो जैसे उन्होंने बात की कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाना चाहिए जिंदगियों में, अगर आप स्पोर्ट्स को लेके आएंगे तो मेरे ख्याल में, और वो ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है, बन जाता है, ऐसी सोसाइटी बन जाती है, अगर आप 11-22 लड़के आपस में खेल रहे हैं तो वो आपस में काफ़ी चीज़ें, कंपेटिटिव स्पिरिट भी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, और काफ़ी सारी ज़िंदगी के उसूल जो हैं उसमें हमें समझ आ जाते. बिल्कुल ऐसी. अच्छा अच्छा, ये बताइए, सुल्तान साहब ने बड़ी काम की बात की, मुझे ये बताएं कि ये जो लेट नाइट हम जागते हैं, कभी पढ़ाई करने के लिए जागते हैं, कभी पार्टी करने के लिए जागते हैं, तो नींद को अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, either for studies, a good cause like study, or sometimes, you know, over the weekend, you want to enjoy. Does that help? Compromising your sleep. मतलब थोड़ी नींद, बंदा भाई हर वक्त सो के क्या करना है? फिर अगले दिन फिर उसको मैनेज कर लेना. अगर एक दिन कम सोए हैं और बॉडी का एक क्लॉक सेट हुआ हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होगी. तो अगर एक दिन कम सोए हैं तो अगले दिन उसको पूरा कर लें. 24 घंटे के अंदर नहीं, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं भी करते तो हो सकता है कि अगर वो चेंज बहुत अरसे बाद आया है तो वो मूड इरिटेबिलिटी क्रिएट करे, आती है, नींद की कमी से मूड आती है, बिल्कुल आती है. डेली बेसिस पे अगर हम स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दें या अपना पैटर्न डिस्टर्ब कर लें तो ये चीज़ हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है. यानी ये जैसे कि वो डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है, पाइलअप होती है, ये ग्रेजुअली आपकी एपेटाइट को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, फिर आपके रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपके मूड के इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं. तो ये जो स्लीप है ना, ये बड़ा एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट करता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है आपकी लाइफ के ऊपर. अब तो आप यंगस्टर्स बैठे हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर पर मैं दोबारा रीट्रेट कर रहा हूँ, अपना सवाल दोहरा रहा हूँ, यंगस्टर्स ख़ास तौर पर फील करते हैं कि भाई हमें जो है ना ये बुज़ुर्ग लोग जो हैं ये कहते हैं जी पूरे 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के बैठ जाओ, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ऐसी बातें बताते हैं, मगर अब ये तो फिर ज़िंदगी में कोई मज़ा ही नहीं, कोई लुत्फ ही नहीं है. अब कभी पढ़ाई है, कोई वो क्या उसको बोलते हैं, कोई असाइनमेंट है, कौन है? अच्छा कैमरे को देख, सॉरी मैंने कहा ही. अच्छा तो नींद, ये मिस ने जिस तरह कहा बर वक्त सोना और जागना, ये एक बड़ा चैलेंज है. और आज का दौर जो है जिसमें इतनी सारी अट्रैक्शन है, आप रात को बैठ गए, अपना मोबाइल फ़ोन उठा लिया, फेसबुक देख ली, कोई व्हाट्सएप देख लिया, कोई और चीज़ पढ़ ली, तो उसमें थोड़ी देर लग जाती है, और कोई फ़ोन आ गया, तो डज दैट हैव एनी इफेक्ट? क्या करें, किस तरह से मैनेज? सर कोशिश करें कि रात के टाइम आप सोएं ज़रूर, 6 से 8 घंटे की नींद रात के टाइम में ही ज़रूर पूरी करें, क्योंकि उस दौरान सोते हुए आपकी बॉडी से कहते हैं बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ भी होते हैं, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है रात के टाइम में ज़्यादा फास्टली वर्क भी करता है. तो रात की जो नींद जो बेनिफिट देती है वो दिन के टाइम आप जितना मर्जी सो जाएं वो बेनिफिट नहीं देती. इसके अलावा वो लोग जो कि रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, उनकी आपने देखा होगा सोशल एक्टिविटीज़ बड़ी इंपेयर हो जाती है, सोशलाइज बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर रूम के अंदर टाइम स्पेंड करना, और फिर ऐसे लोगों की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, बहुत ज़्यादा इनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो ड्रग्स की तरफ बढ़ भी जाती है. तो लाइफस्टाइल का जो के ऊपर इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लाती है ये स्लीप का, फिर आपका डायरेक्टली रिलेशनशिप एपिटाइट के साथ भी और आपकी मूड के साथ भी, और फिर सोशलाइजेशन नीड के साथ भी. नींद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जो कि रात भर जागते रहते हैं, सुबह के टाइम उनकी अटेंशन जो है इतनी ज़्यादा क्लासेस में नहीं होती, फिर उनकी मेमोरी के ऊपर भी इफेक्ट आता है, फिर उनके
ग्रेड्स के ऊपर भी इस चीज़ का इफेक्ट आता है, क्लास में बच्चे तरीके से स्पेशली जो ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए, उससे तो एकदम ताकत आ जाती है, बहुत स्ट्रेच कर सकते हैं वो, फिर बाद में आपका समझे ऐसे जैसे ब्रेन शट डाउन भी करता है, वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है तो फिर एक टाइम आता है जब वो शट डाउन भी करता है। अच्छा ये भी बताइए कि नींद के मुतालिक तो आपने काफ़ी बता दिया, अब ये बताएं कि ख्वाब भी देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए सोते हुए? सोते में देखने चाहिए लेकिन दिन में नहीं देखने चाहिए। क्या इन दोनों का कुछ मुझे फ़र्क बताएं कि सोते हुए कैसे ख्वाब देखें और जागते हुए कैसे ख्वाब देखें? सर सोते में भी तो आपकी एक स्टेज है स्लीप की जिसके दौरान आपको ख्वाब आते हैं, जिसको रेम स्टेज भी कहते हैं, ख्वाब में जो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज है जिसके अंदर आपको ड्रीम्स आते हैं। और कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं, शीर फॉर बच्चे हैं, इन्फेंसी की एज के अंदर इन्फेंट्स हैं, उनको वो जो ड्रीम्स की स्टेज होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा। आपने देखा होगा कि उनकी आंखें तेज़ी के साथ मूव करती हुई भी दिखाई देती हैं, तो उनकी जो जो रेम स्टेज होती है वो ज़रा ज़्यादा आवर्स के लिए उनको वो मैंने तो जो है देखा है ऐसे आंख खोल के ना तो मैं परेशान हो गया, डर गया, कभी आँख यूँ जा रही कभी यूँ जा रही कभी यूँ कभी ऊपर कभी नीचे, मैंने वाकई बड़ा मैं घबरा सा गया था। और उसकी वजह से कभी जो है कुछ लोग जो है वो ऐसे ना लेटे लेटे ना यूँ भी कर देते हैं। हाँ ये मजाक नहीं कर रहा, आपने कभी ये नोटिस नहीं किया कि वो ख्वाब के साथ साथ एक्ट भी कर रहे हैं? हाँ कुछ लोग तो बाकायदा बातें करते हैं बीच में। सर ये स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिसमें वो स्लीप वॉकिंग है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी स्लीप के डिसऑर्डर्स में होती हैं, सोते हुए भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नींद से रिलेटेड भी डिसऑर्डर्स भी हैं, इंसोम्निया है, हाइपरसोम्निया है, स्लीप वॉकिंग है, स्लीप टेरर है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, नाइटमेयर डिसऑर्डर है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं स्लीप के। अच्छा तकरीबन हम जो है जाने वाले हैं, एक कॉल ले लूं मैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, तारुफ कराइए, बात कीजिए। मैं सारा स्पीक बात कर रही हूं। ओहो आपकी तो आवाज ही नहीं पहचानी जा रही। हां जी कुछ मौसम का कुछ असर है क्या? अच्छा अच्छा जुकाम हो गया आपको? गला भी अच्छा था, जुकाम था। ओहो आराम करें ना, सूप वगैरह पिए, साथ में जो है कोई ऐसे वो हल्दी वल्दी खाएं। थोड़ा सा ऊंचा बोलें अगर कोशिश हो सके तो, एक जो कुछ आप बोल रही हैं वो किसी को के साथ में रिपीट करें ताकि हमें आवाज क्लियर आ जाए। अच्छा अब आवाज मेरी आ रही थी? हाँ जी अब बेहतर है। मैं कहते हल्दी भी मैं यूज करती हूं रूटीन में। अच्छा वेरी गुड। शहद भी इस्तेमाल करें? शहद मिस ने कहा है कि भेज रही हैं, कहाँ से मिस पास, कहाँ से कलेक्ट कर? लाहौर से। लाहौर से भेज रही हैं। शहद और साथ में अदरक का रस थोड़ा सा डाल के पिए तो वो, अदरक का रस थोड़ा सा हो, थोड़ा सा पुदीना हो, थोड़ा सा पुदीना आपने वो डाल लिया? अच्छा सॉरी पुदीना बिल्कुल नहीं, शहद होना चाहिए, बेरी का शहद ठीक है? नहीं सर मक्खियों वाला चाहिए। मक्खियों वाला होना चाहिए, बेरी का शहद नहीं होना चाहिए। और जो है बड़ी मक्खी के डोमना, जो भी मक्खी मिल जाए जी मुयस्सर जो है उसको आप जो है कुछ कतरे अदरक के डाल के आपने उसको गले में रख के मुंह बंद करके 5 मिनट गरारे करके जो है ना वो इस्तेमाल करें जी। मिस पारस को थोड़ा कहेंगी और मिस हीरा को ज्यादा? नहीं नहीं पारस तो आती भी नहीं है ना, मेरी उससे बात हुई है लेकिन मिस हीरा तो बहुत देर से बात आई है। हाँ ये गई हुई थी बैरून मुल्क, फ्रांस गई थी, केन्स में फिल्म फेस्टिवल में गई थी। अच्छा कैसा रहा वहां का? ये फिर एक प्रोग्राम इस पे करेंगे अलग से। मैं अपना तो बता सकता हूँ, ये तो थे नहीं मेरे साथ तो मैं इनका नहीं बता सकता। अपना बता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। और अभी जो नया सॉन्ग सुनाया है, हाँ जी माशाल्लाह खुद लिखे हैं उन्होंने, थैंक यू।
थैंक यू, जजाक बहुत शुक्रिया. असल में ना आपकी आवाज़ जो है वो डुबडुबा रही है और थोड़ी सी वो क्लियर नहीं आ रही, तो समझने में मुश्किल हो रही है. जी जी, थैंक यू फॉर योर कॉल. जी जी बहुत मेहरबान. जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है. जी थैंक यू. जी ये हमने इनको कहा कि कोर्स जो है ना बैरून मुल्क जाते हुए भी लेके जाएं और साथ 3 महीने के साथ लेके जाएं. तब्दीली तो आपको पता है आ नहीं रही, आ चुकी है. बहुत शुक्रिया आपका मिस साइमा, थैंक यू. जजाकल्ला, बहुत मेहरबानी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. लो जी, आज के प्रोग्राम में जो है वो लास्ट बात क्या हो रही थी जब मैं हमने कॉल ली थी, कुछ याद है किसी? ड्रीम्स, ड्रीम्स. ड्रीम्स, ड्रीम्स, स्टफ द ड्रीम्स आर मेड ऑफ, है ना, यही बात हो रही थी. तो आप अपने ड्रीम्स के मुतालिक बता रही थी, क्या ख्वाब है आपके? मेरा क्या ख्वाब है? मुझे किसी ने कहा कि ख्वाब तो सभी देखते हैं, बंद आंखों से तो ख्वाब सभी देखते हैं, मगर जो दीवाने खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं वो कमाल करते हैं, वो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं. तो जो हम ख्वाब देखते हैं खुली आंखों से और जिनके मुतालिक हम सोचते हैं कि सिर्फ ख्वाब हैं, और जब हम डरते हैं ख्वाबों को उठाते हुए कि शायद अगर ये हमारे हाथों से गिर गए तो ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, पाश पाश हो जाएंगे, और इसकी कुछ किरचियां जो है हमारे हाथों में लग जाएंगी, कुछ हमारी रूह को घायल कर जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं. ख्वाब देखते रहिए, तो जो लोग ख्वाब देखते हैं उन्हीं के ख्वाब सच भी हो जाते हैं. ये बता रहे, वो एक कॉल भी है ना कि जिसने ख्वाब देखना छोड़ दिए उसकी उस पर फातह पढ़ लो, कि मतलब ज़िंदगी में आपका अगर कोई ख्वाब नहीं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, ना आप स्ट्रगल करते हैं. एक टारगेट को देख ही बंदा स्ट्रगल करता है ना, कि जैसे मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है कि मैंने अपने शहर मामू काजन में एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाना है और एक हॉस्पिटल बनाना है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर किसानों के लिए कुछ काम करना है. तो मेरा ख्वाब है तो उस पर मैं मतलब कोशिश करके कुछ करूँगा ना, बेशक. तो जब जो बंदा ख्वाब नहीं देखता है, असल ख्वाब तो होता ही जागते हुए, आप जागते हुए जो ख्वाब देखेंगे वही असल ख्वाब है, जो उस पर आप कोशिश करेंगे. ऐसा ख्वाब जो इंसान को सोने ना दे, सोने ना दे. एक्साइटमेंट से बंदा, छोटे बच्चे नहीं होते सुबह सुबह उठ के यूँ दौड़ते इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं. हम जो जो बड़े होते हैं हम शायद थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं ख्वाब पूरे नहीं होंगे, तो हम ख्वाब देखते ही नहीं, डरना शुरू कर देते हैं कि अगर मेरा ख्वाब पूरा ना हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा. तो ऐसी बात नहीं है, ये फियर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी हमारे अंदर जो है वो डालती है, जिसकी वजह से हम कुछ किसी चीज़ को करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले भी हम डरते हैं. तो वो कहीं ना कहीं वो फियर जो है और वो कहीं ना कहीं जो रिलक्टेंस आ रही होती है वो हमें हमारे घर से आ रही होती है, से डाली जाती है, कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग से हमारे अंदर आती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को उसी तरह से, जिस तरह बचपन में एक कहते हैं ना, बगैर सोचे समझे हम उस चीज़ को अचीव करने की तरफ जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो फिर हमें सोसाइटी से हम लर्न कर देते हैं, कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हमें सिखा देते हैं. करने के लिए कोशिश करते हैं, इससे पूछ उससे पूछ, खुद कोशिश कर, कुछ चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं, कुछ नहीं मुमकिन होती, एंड वी लर्न हाउ टू डू इट. कन्फॉर्मिटी हर इंसान की एक नीड है ना, लेकिन ये है कि कन्फॉर्मिटी भी एक खास लिमिट तक ही होनी चाहिए,
जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो चीज आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द बॉक्स कंफर्म ना करें, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचे. एक चीज मिस फियर लैडर भी होती है सर, वो एक टेक्निक है. बॉडी जो होती है, बॉडी सीढ़ी जिसके ऊपर, वो फियर लैडर क्या चीज होता है सर? वो एक टेक्निक है बेसिकली. हम जिन पेशेंट्स को फोबियाज होते हैं या एंजाइटी होती है उनके लिए हम डरते हैं. एग्जैक्टली, उनके वहम होते हैं. वहम होते हैं तो कुछ बताएं उसके सर. तो वो हम उनको एक्सप्लेन करने के बाद बेसिकली यही ABC मॉडल हम उनको एक्सप्लेन करते हैं. उसके बाद हम उन्हें एक होमवर्क के तौर पे ये यूज़ करते हैं फियर लैडर, कि आप अपना जो नहीं वो वाली नहीं, कि आप अपना जो मोस्ट जिसे कहते हैं ना फियरफुल आपका एक्सपीरियंस है, एग्जैक्टली वो टॉप पे लिखें और फिर इंटेंसिटी वाइज फिर रात की बेसिकली बनानी होती है. हाँ, 0 to 10 आपने अपने जो सबसे ज्यादा जो फ्राइटनिंग, सबसे आसान है वो करने पहले, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं. हाँ, सबसे पहले आसान वाला काम करें, फिर उसके बाद उससे मुश्किल एक्सपोजर देते हैं ना बेसिकली फियर. यानी अगर आप डर के बैठे रहेंगे, यू वोंट फेस योर फियर्स, देन दे विल कीप ऑन एक्युमुलेटिंग. और ये वही मिसाल है कि जिस तरह अमिग्डाला जो है वो जो इतना बादाम जितना होता है, एक राइट तरफ होता है, एक लेफ्ट तरफ होता है, और वहाँ पे जो है सारे फियर्स जमा हो जाते हैं. और वो कहते हैं भालू भी आया, शेर भी आया, और वो सारे इस किस्म के आ जाते हैं. और जब एक फियर चला जाता है, जब हम एक फियर को फेस करते हैं और उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, तो कहते हैं कि अब यहाँ पे 3 मरले के घर में हमारा गुजारा नहीं. अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जो जिन चीज़ों को हमने पाला होता है, फियर्स को, डर को, खौफ को हमने अंदर पाला होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाते हैं. तो वी हैव टू फेस आवर फियर्स. मतलब सबसे पहले डर से निकलना, डर के आगे जीत है, जीतना. वो कहते हैं ना कि नाकामी का डर सबसे बड़ी नाकामी है. जब आप इस चीज़ से डरते रहते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, चाहे वो ज़िंदगी है, चाहे कोई एग्जामिनेशन में जाते हैं या कोई भी कारोबार है, तो वो आप नाकाम होंगे. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बार बार आप कहेंगे कि क्रिकेट की बात करता है, जब भी मैं कभी बैटिंग करने जाता था तो मेरे दिल में डर होता था कि यार ये बंदा बड़ा तेज़ बॉलर है और उसने मुझे आउट कर देना है. मैं जाते ही आउट हो जाता था. और जब सोचता था कि मैंने इसको छक्के लगाने हैं तो छक्के लगते थे. नाकामी का डर सबसे बड़ी नाकामी. अगर आप इस चीज़ से निकल जाते हैं तो आप कभी नाकाम नहीं होते. तो यही सबसे बड़ी मतलब एक फार्मूला है कामयाबी का, कि आप इस पर जो डर गए वो मर गए. तो आपके आने का और अब आपने आते रहे, अब आपने केन्स फ्रांस दोबारा तो नहीं जा रही है फिलहाल, कुछ फिलहाल फिलहाल नहीं जा रही. और मिस पारस साहब का बहुत शुक्रिया कि आप इनको साथ लेके आए. ये जो डर था इनके दिल में, तो उसको एक से भले दो और एक 11 होते हैं, तो आप जब दोनों मिलके आए तो फिर जो है ताकत आ जाती है ना, एंड सिनर्जी जिसको हम कहते हैं टीम वर्क. तो अब आप दोनों आते रहेंगे ना सर, आप हमें इकट्ठे बुलाएंगे तो हमारे ये मैं एक दिन जिसको इसकी आवाज़ मैंने बंद करने की कोशिश की थी मगर वो कुछ ख़राबी हो जाती है. अच्छा मिस, थैंक यू वेरी मच ऑफिशियली फॉर कमिंग. अब आपने आते रहने, गायब नहीं होना जी सर. और अगले हफ्ते भी आना है, डुड़की नहीं लगानी, डरना नहीं है, एक्सपोजर से बेहतर होता है काम. ठीक है. और सुल्तान भाई आपका तो बहुत शुक्रिया. अब आपने तो हमारे साथ मोहब्बतें सच्चियाँ कर ली सर, मोस्ट वेलकम. पक्कियाँ पा ली हैं ना, अब आपने भी इधर उधर नहीं होना सर. हाजिर. नाज़रीन, इनसे मैंने कर लिए हैं वादे और आपसे भी लेना चाहता हूँ वादा कि आपने भी कहीं इधर उधर नहीं जाना, आपने भी प्रोग्राम में आना है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है वॉक योर टॉक. आप आएंगे, प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, जितना मीठा डालेंगे उतना हप हप खाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने वज़न को बड़ा अच्छा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं और इंसान टेंड्स टू ओवर ईट और फिर काम ख़राब हो जाता है. ये देखें ना, ये मैंने बिल्कुल प्रोग्राम के आगाज़ में ये बंद करने की कोशिश की थी तो ये हुआ. तो अपना ख्याल रखिएगा. लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट स्वीट मेमोरीज. दिस डॉक्टर इजाज कुरैशी एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड वी होप दैट यू विल हैव अ ग्रेट वीक एंड अ ग्रेट जनवरी. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.